मैं बधाई बहुत बहुत हार्दिक दिल से बधाई देता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, और मैं उनकी दीर्घायु की प्रभु श्री राम जी से हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ। मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज जो बहुत ही हर्ष और खुशी और विषय है, खुशी का दिन है, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ, हार्दिक अभिनंदन है, और उनको हनुमान जी का आशीर्वाद रहे और 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद रहे, और मेरी तरफ से उनको यही गिफ्ट है कि वो स्वस्थ रहें और दीर्घायु रहे, और मतलब जो है जो भी जनहित और देश हित के लिए वो कार्य कर रहे हैं, निरंतर ऐसे ही ऊर्जावान की तरह वो कार्य करते रहें। हैप्पी बर्थडे बोलना चाहते हैं, बाकी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। मैं समझता हूँ संत पुरुष हैं और उनको भगवान दीर्घायु दे, और जो उनका कार्यशैली है वो अपने आप में बहुत उत्तम है। हम चाहते हैं कि उनको दीर्घायु मिले, बहुत आयु मिले, देशवासियों की उम्र उनको लग जाए, और अभी उनको बहुत काम करना है देश के लिए। हम चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें और दीर्घायु होने। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, देश के अंदर उन्होंने एक हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को कायम रखने की बात करते रहे हैं, और अभी भी कायम है। और जो हिंदुत्व पूरे विश्व के अंदर, एक भारत एक ऐसा देश है जो हिंदुत्व एक अंदर से सनातन धर्म, हमारी संस्कृति, भगवान हरे कृष्ण हरे रामा हरे कृष्ण, और न जाने राम कृष्ण के मंदिर और न जाने कितने देवी देवताओं के स्थान अन्य देशों में भी बनाई गई हैं। तो एक उनका नरेंद्र मोदी जी का एक अन्य देशों में भय भी कह सकते हो, और उनके एक क्रियाकलाप जो उन्होंने जिस तरीके से देश को संभाला है उसका भी एक उन्होंने लोगों ने चलने की कोशिश भी की है। तो जो भारत एक विश्व गुरु बनना चाहिए वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अगर वो प्रधानमंत्री बरकरार जब तक उनकी सांस है तब तक वो रहें, और इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग ही भारत को हिंदुत्व का एक ठप्पा दे सकते हैं और अन्य चीज़ों से मुक्त करा सकते हैं। 370 हटी है, 35 हटी है, अच्छी, ये बहुत उनका बहुत अच्छी बात है। ये उन्होंने जो किया वो उन्होंने किसी ने नहीं किया, ये तो अच्छी बात है। राम मंदिर बन रहा है ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो उन्होंने बहुत अच्छे ही काम किए। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को देश के संचालन में और बड़ा भारी सहयोग दिया है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको दीर्घायु और दीर्घ जीवन प्रदान करें। नरेंद्र मोदी जी हैं तो हमें ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए आगे भी।